दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमण से दहशत का माहौल है। कोरोना वायरस के कहर से दुनिया भर में मौतों का सिलसिला जारी है। इटली में जहां कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 10,000 के पार पहुंच गया है, तो वहीं स्पेन में कोरोना से अभी तक 5,982 लोगों की जान जा चुकी है। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने इटली और स्पेन समेत तमाम देशों को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। दुनिया भर में 6,62,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं अमेरिका में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक 1,24,217 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,185 हो गई है। इसके अलावा पुर्तगाल में भी कोरोना वायरस से अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है और 5,170 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। बिगड़ते हालात की वजह से देश के ज्यादातर इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई है। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,000 के पार चली गई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज मुंबई में एक मरीज की मौत हो गई। मृतक 40 साल की महिला है, जिसे एमसीजीएम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। इसी के साथ प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा 27 हो गया है। दूसरी तरफ मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते एक ही दिन में देश में सबसे ज्यादा 200 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 88 कोरोना पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उधर लॉकडाउन का आज 5वां दिन है, लेकिन देश के कई हिस्सों में मजदूरों का पलायन चिंता का सबब बन गया है। मजदूर पैदल ही अपने परिवार के साथ गृह राज्य लौट रहे हैं। बता दें कि लोग जहां तहां फंसे हैं, जिनकी मदद में राज्य सरकारें उतरी हैं और उन्हें उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है बुजुर्गों को, जिनके अपने दूर हैं और उनके लिए जरूरत का सामान जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि महाराष्ट्र और केरल कोरोना वायरस के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन दोनों राज्यों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं मेरठ में एक ही घर में 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस परिवार का एक शख्स महाराष्ट्र के अमरावती से लौटा था। उसके अलावा घर के 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा टेकनपुर में एक बीएसएफ अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 50 बीएसएफ जवानों को क्वारंटीन किया गया है।